तो हाय दोस्तों, आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड को लेकर। और वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी वीडियो ज्यादातर नहीं आ पा रही है क्योंकि इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ कि मेरे अभी से स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत चेंजिंग चल रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर थ्रू द हेवन सीजन 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, ये बात सच है कि 2 एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर दिए है, लेकिन हम सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हमने देखा है कि सीजन 1 किसी ने भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर किया भी है तो पूरा नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पर सभी ने शॉर्ट्स फॉर्म में तो बता दिया है, लेकिन सीजन 1 में काफी चीजें मजेदार है क्योंकि हम उसे देख नहीं पाए। अगर आपने सीजन 1 पहले ही देख लिया है तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिसने नहीं देखा है पूरा अच्छे से तो वो देख लेना। मैं कल या परसों उसका तीसरा एपिसोड लेके आ जाऊंगा। वैसे इस एनिमेशन तक में हमने देखा था कि यहाँ पे जो इचेन है यहाँ पर भैंस बदल के काफी सारे लोगों को मारता है, जहाँ पर कि उसको अंधा भी मारने लगता है, जहाँ पर कि उसका वो नपाक हटा देता है इचेन का। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इचेन अपनी रोड को बनाने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। और ये इसके साथ ही में यहाँ पे वो निंगसी सेट से निकल कर 5वें लेवल तक पहुँच चुका था, और वो काफी अच्छे से अपनी शॉट को रिफाइन करता है। अब आगे आगे और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इचेन को, जो कि यहाँ पर हुआ के पास आया था। अब यहाँ पे हुआ भागते हुए कहता है कि बड़े भाई तुम आ चुके हो, जहाँ पर कि इचेन कहता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ, और वो अब जाने लगता है कि तभी हुआ कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करनी है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, और साथ ही में मेरे दद्दू को और मेरी ईगल को सेव करना है, तो इसकी वजह से मुझे कल्टीवेशन करना है। जहाँ पर इचेन कहता है कि कल्टीवेशन करना कोई आम बात नहीं है, कल्टीवेशन रास्ता काफी ज्यादा हार्ड है। जहाँ पर हुआ कहता है हाँ मैं उसको देख लूंगा और मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, जहाँ पर कि इचेन कहता है तो चलो ठीक है, और इचेन कहता है तो इसके लिए मुझे तुम्हारा कोर को जगाना पड़ेगा, जहाँ पर कि तुम्हें थोड़ा सा पेन हो सकता है। जहाँ पर हुआ कहता है कि मैं जरूरी से इसको करूँगा। और अब हमें इचेन को दिखाया जाता है जो कि कोर हाथ में लेते हुए यहाँ पर हुआ के अंदर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जहाँ पर कि पहले वो एक कोर परफॉर्म कर उसके अंदर का कोर जगाने लगता है, जहाँ पर कि इचेन हुआ के पास में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि धीरे धीरे कर उसका कोर एक्टिवेट होने लगता है। जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इचेन है वो वापिस से उसको पुश करता है, जिसकी वजह से हुआ को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, लेकिन वो वहाँ से हटता नहीं है। और अब यहाँ पे उसका अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका कोर बन चुका था एकदम रेडी, जहाँ पर कि इचेन अब उसको हटा देता है। अब यहाँ पे जो हुआ था वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है, और साथ ही में उसको इचेन उठकर यहाँ पे खड़ा भी कर देता है। हुआ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और यहाँ पे कुछ अजीब लगता है उसको, जहाँ पर इचेन पूछता है कि तुम सही हो, जिस पे कि हुआ कहता है कि मैं बिल्कुल से सही हूँ। अब यहाँ में दिखाया जाता है कि जो झांग फेंगयांग आ जाता है और आते हुए कहता है कि मुझे एक नए कल्टीवेशन की ऊर्जा मिल रही है, जहाँ पर कि हुआ भागते हुए कहता है कि दद्दू मैंने कल्टीवेशन का रास्ता चुन लिया है, अब मैं कल्टीवेशन करूंगा और तुम्हें और ईगल को सेफ रखूंगा, जहाँ पर कि झांग फेंगयांग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके अलावा वो यहाँ पर इचेन को यहाँ पे वो कहता है थैंक यू ये काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इचेन कहता है कि इसका कोई लम नहीं है क्योंकि मैं इसको मेरी खुशी से नहीं किया हूँ, ये इसका ही इरादा था, ये कल्टीवेशन करना चाहता था। और इसके अलावा और अब यहाँ पे मुझे संप्रदाय के पास में इसको लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर कि ये कल्टीवेशन कर सकता है, तो ये मेरे साथ में रहेगा। जहाँ पर कि झांग फेंगयांग कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो इसको, और हुआ तुम इसकी बात मानना। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे संप्रदाय के सेक्ट के पास में, जहाँ पर कि वो आए थे यहाँ पर इचेन की कल्टीवेशन लेवल चेक करवाने के लिए और एडमिट करवाने के लिए। अब यहाँ पे वो एक एल्डर से आके मिलते हैं, जहाँ पर कि वो एल्डर कहता है कि तो तुम यहाँ पर फिर से आ चुके हो, और यहाँ पे इचेन कहता है कि कल्टीवेशन करना चाहता है और यहाँ पे इसका डिसाइपल बनना चाहता है ये क्लाइंट का। जहाँ पर कि वो कहता है, वो मास्टर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल से बन सकता है, और साथ ही में ये एक निचला लेवल का डिसाइपल रहेगा, यानी कि डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है। जहाँ पर कि वो इतना कहकर जाने लगते हैं कि तब यहाँ पे वो मास्टर यहाँ पे उनको रोकते हुए कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में कल्टर सेक्ट के डिसाइपल बन जाना। जहाँ पर किचन कहता है कि हाँ मैं इस पे सोच के बताऊंगा। अब यहाँ पे वो जाने लग रही है, यहाँ पे जो हुआ था काफी खुश था
जाके तभी एक लड़के से वो टकरा जाता है, जहाँ पर कि वो लड़का गिर जाता है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम अंधे हो लड़के, और अब यहाँ पे हुआ उसको बचाने के लिए उठाने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर वो लड़का जो रहता है उसको धक्का मार देता है और कहता है तुम एक कमजोर से बच्चे हो, तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जहाँ पर कि उसका बड़ा भाई आ जाता है, जहाँ पर कि वो गुस्सा करता है क्योंकि वो ईचेन को जानता था। अब यहाँ पे क्यों जानता है क्यों नहीं जानता ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे ईचेन कहता है कि चलो हमें कुछ सामान लेने के लिए जाना है, अब इतने कहकर वो जाने लगते हैं। वो छोटा बच्चा कहता है कि ये साले बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो ईचेन है यहाँ पर उनका कोई जवाब नहीं देता, और यहाँ पे वो सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है हमें ट्रेजर हॉल को, जहाँ पर कि वो दोनों आते हैं। अब यहाँ पे जो हुआ था एक एक कर अपना हथियार चेक करने लगता है, वो सीधा आकर एक हैमर को उठाने लगता है लेकिन उसको नहीं उठा पाता, और उसके बाद में वो एक नाइफ को उठाता है लेकिन वो भी उसके लिए सही नहीं था। अब यहाँ पे जो हुआ है उसको एक लाठी दिखती है, जहाँ पर कि उसको देखने लगता है, और यहाँ पर ही हुआ उसकी लाठी उठाता है, और यहाँ पे वो पैतरेबाजी भी कुछ करके दिखाता है। और तभी हुआ कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी लकड़ी है, आइमिंग वेपन, और ये काफी ज्यादा अच्छा वेपन है, मैं इसको ही लूंगा। वो भागता हुआ आता है यहाँ पे काउंटर के पास में, जहाँ पर वो आके कहता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये लाठी ही चाहिए, जहाँ पर कि वो कहता है कि स्पिरिचुअल लाठी है, और यहाँ पे अगर इसको चलाना है तो तुम्हें इसका कल्टीवेशन लेवल और साथ ही में इसको चलाने का तरीका ढूंढना होगा। जहाँ पर कि वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये लेके चले जाते हैं। और अब हमें दिखा जाता है, वो इतना कहकर जा ही रहा था कि तभी पीछे से मोटू आ जाता है और वो कहता है कि इधर आओ थोड़ा सा मुझे जरूरी बात करनी है। जरा सा पास चला जाता है कि तभी फिर से कहता है कि पास में आओ ना, क्या थोड़ी लेके थोड़ी ना भग जा रहा हूँ। उसके पास में आता है, वो एक जगह को बताता है जहाँ पर कि वो एक प्राचीन सेक्ट का अभ्यास करा हुआ एक जगह है, जहाँ पर कि ट्रेजर की बोली लगाई जाती है, और ये मार्केट एक ब्लैक मार्केट है, जहाँ पर कि कल्टीवेशन करने का तरीका और साथ ही में यहाँ पर उसके वेपन भी मिलते हैं काफी ज्यादा अच्छे और भारी मात्रा में, और उसका नाम है अंडरग्राउंड सिटी। जहाँ पर कि वो कहता है कि अंडरग्राउंड सिटी, अब ईचेन सोचने लगता है शायद से मुझे जाना पड़ेगा, और वो कहता है कि मेरे पास में ज्यादा इनफ पैसे नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मोटू है वो थोड़ा सा आइडिया सोचता है और कहता है कि इसके लिए मेरे, और अब यहाँ पे जो मोटू था उसको एक प्लान बताता है कि मुझे पता है कि एक प्लान जरूर काम करेगा, और उसके बाद में वो दोनों खुश होते हुए यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अरेना ग्राउंड को, जहाँ पर कि काफी सारे डिसाइपल कह रहे थे कि लगता है कि ईचेन मरना चाहता है, वो तो सीधा वूफेंग के पास में टक्कर ले रहा है, ये इससे तो बिल्कुल भी नहीं है जीत सकता, और इसके अलावा ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, हम ये दोनों पे फेयर बैट लगाएंगे। और सबसे ज्यादा तभी यहाँ पे मोटू और कहता है कि तुम यहाँ पर ईचेन को बोट लगा सकते हो, जहाँ पर कि तुम्हारी 1 से लेकर 10 कॉइन तक बोली होंगी, जहाँ पर काफी सारे लोग लगाने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा वूफेन के पास में बोली लगाई थी, जहाँ पर कि मोटू काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसको पता था कि ईचेन ही जीतने वाला है। यहाँ पे मोटू कहता है कि बोली लग चुकी है तो फाइट स्टार्ट करो, जहाँ पर कि हमें वूफेन को दिखाया जाता है, कहता है कि तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और इतनी बात सुनकर यहाँ पे ईचेन कहता है कि आओ चलो देखते हैं, चलो फाइट करते हैं। अब यहाँ पे वूफेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, ये इतनी बड़ी शॉट से वो भी मुझसे लड़ सकता है जबकि मैं इतना ज्यादा फास्ट कल्टीवेटर हूँ। और अब काफी तेजी से भागता हुआ उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पे इतना आकर वो इसको किक मारता है जिसकी वजह से टेलीपोर्ट वूफेन मारने लगता है। अब यहाँ पे ईचेन जो है वो फ्लैश मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हैवीनेस शॉट ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाती है। तभी यहाँ पे जो ईचेन है वो फेंक के मारता है यहाँ पर वूफेन को, लेकिन यहाँ पे वूफेन उसे डोज कर लेता है, उन दोनों में काफी अच्छे से फाइट होने लगती है। और अब यहाँ पे वूफेन सोचता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे वहाँ के लोंडे कहने लगते हैं कि इसका कोई चांस नहीं बनता है कि यहाँ पर ईचेन जीत पाए। अब यहाँ पे ऐसा होता है वूफेन अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जहाँ पर कि वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिसका ओरा काफी ज्यादा खतरनाक था, और इस पावर से यहाँ पे ईचेन को जमा देता है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ईचेन जम चुका था, और अब वूफेन कहता है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे पता है तुम जैसे लड़का मुझसे कभी नहीं है जीत सकता था। और अब हमें ये ईचेन का अंदर का कोर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक्टिवेट हो जाता है उसकी शक्ति, जिसकी वजह से वो आइस शील्ड धीरे धीरे होकर पिघलने लगता है। अब यहाँ पे वो जैसे वूफेन उसको अटैक करने वाला था कि तभी यहाँ पे जो ईचेन है वो शील्ड को तोड़ देता है, यानी कि वो आइस की शील्ड को, जहाँ पर कि ईचेन भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और यहाँ पे वूफेन को काफी गंदी तरीके से धोने लगता है। यहाँ पे वूफेन यहाँ पे उसको देख भी नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था। और तभी यहाँ पे आते हुए यहाँ पर ईचेन उसको काफी एक लंबी किक जड़ता है, और अब उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है, जहाँ पर कि वो एक एक पे काफी तेज हमला कर रहे थे लाइट की स्पीड से। यहाँ पर कि
कुछ डिसाइपल तो देख भी नहीं पा रहे थे कि तभी एक लड़की कहती है कि ये ईचेन एक बुरा कल्टीवेटर है, एक डेविल कल्टीवेटर, इसकी पावर वूफेन के लायक नहीं है, ये कैसे इसको टक्कर दे सकता है, ये एक डेविल कल्टीवेटर है, ईचेन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब सभी लोंडे ये बात सुनकर ये बात कहने लगते है कि तभी यहाँ पर आते हुए वूफेन आके उसको किक जड़ता है, जिसकी वजह से ईचेन थोड़ा पीछे सरक जाता है। यहाँ पे उन दोनों में आते हुए फाइट आ रहा था वूफेन के, जब ये अपनी पावर रिलीज करता है लेकिन उसकी पावर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे ईचेन सोचता है कि अब तो मेरी वाट लग चुकी है, अब मेरी पावर में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ करना होगा। अब यहाँ पे जो वूफेन है वो काफी ज्यादा आइस से अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ईचेन है वहाँ से डोज करने लगता है। अब यहाँ पर ईचेन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था कि तभी वो हाथ में कुछ लाइट जमाता है और यहाँ पर वो उसके ऊपर एक फाइलन अटैक करने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पे जो है वो आकर उसको किक जड़ता है, जिसकी वजह से ईचेन काफी पीछे हट जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मेरा काम साइड से हो और गया। अब यहाँ पे जो वूफेन है वो भी अपनी पावर रिलीज करता है लेकिन उसकी पावर यहाँ पर नहीं रिलीज हो पाती है, और तभी नोटिस करता है कि उसके पीछे तालिस्मान लगा हुआ था जो कि लॉक कर देता है किसी की भी पावर, जहाँ पर कि काफी सारे डिसाइपल कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ईचेन एक तालिस्मान वूफेन के पीठ के पीछे चिपका दिया था। यहाँ पे ईचेन उसको काफी बुरी तरीके से धोता है, जिसकी वजह से वो पटक पटक के धोता है, और अब कॉम्बैट फाइट में ईचेन से अच्छा तो कोई भी नहीं है हो सकता, क्योंकि उसको मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छे से आती है। वूफेन को दिखाया जाता है जिसको तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब यहाँ पे डिसाइपल कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर ईचेन ने गलत कल्टीवेशन चूज की है तो इसकी वजह से उसको सजा मिलेगी और हम इसको कतई नहीं मानने वाले। ये बात देख के मोटू कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे सभी डिसाइपल उसको मारने के लिए जैसे जा रहे होते हैं, यहाँ पे मोटू अपना वेपन फेंक के मारता है और कहता है कि तुम में से अगर कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है लड़ने के लिए तो उम्मीद से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें काफी बुरी मौत दूंगा, और वैसे भी अरेना ग्राउंड में सब जायज है तुम। और अब यहाँ पे जो मोटू और ईचेन यहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं ये कहकर के यहाँ पर कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता है क्योंकि कोई भी हमने रूल ब्रेक नहीं किया है, और इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक फॉरेस्ट के पास में, जहाँ पर कि काफी सारे जंगल में चार पांच आदमी जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये डीमन क्लाइंट पे है। यहाँ पर हुओ और लुई आई होती है, जहाँ पर कि उसके साथी में एक मेंबर आया होता है, जहाँ पर वो कहता है तो तुम सब रेडी हो। हुओ और लुई दोनों यहाँ पे एग्री करते हैं और इसी के साथ से ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। और इसके अलावा यहाँ पर एपिसोड 11 का ट्रेलर आ चुका है तो मैं जरूरी से उसको भी एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, और आप ट्रेलर में देखोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड आने वाली है ईचेन की। तब तक के लिए बाय बाय।